एक शहर राजनेता और सरकार के भरोसे तो होता ही है, लेकिन उस शहर में रहने वाले लोगों के भरोसे भी होता है। मेरे सागर में ये कचरा क्यों पड़ा है? इंदौर में मैंने देखा, वो व्यक्ति आता, क्या यार कचरा फेंक गए यार, सड़क पे ला यार, अपन ही फेंक देते हैं। अगर आप अपने शहर में पड़ी गंदगी को लेकर नहीं ठिठक रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये इंदौरियत तो भरपूर है, सागरियत में थोड़ी सी कमी है। इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना, जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर थे, तो मैं उनसे पूछता था कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उन्होंने कहा, हम लोकप्रिय उतने नहीं शरद जी, इंदौर के लोग बड़े कारगर हैं। हम किसी मोहल्ले में जहां छोटे बड़े मध्यम वर्गीय बोले, मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता हूं वहां श्रमिक लोग बहुत हैं। तो अगर हमारे पास बजट कम होता है नगर निगम में, और मैं इनसे कहता हूं कि हम आपकी मुख्य मार्ग तक की सड़क नहीं बना सकते, वहां से बना सकते हैं, तो वो पूछते थे पैसे कितने लगेंगे। हमने कहा साहब 2 लाख रुपए लगेंगे यहां से मुख्य मार्ग तक की सड़क का। वो कहते हम जनता करके दे रहे कैलाश भैया, आप तो बनाओ यार। भोपाल में बड़ी कॉलोनीज में रहने वाले भी जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, वो कहते हैं वी आर टैक्स पेयर्स, इट्स अ क्रिपल गवर्नमेंट, हाउ कैन आई मेक कमिटमेंट कि मैं कैसे दूंगा पैसे, मैं नहीं दे सकता। नहीं, शहर एक जिंदा इकाई है, और सागर अगर आप पीछे चले, मैं फिर कह रहा हूं कि पद्माकर जिस हॉल में हम, बेहद सुंदर हॉल में हम बैठे हैं, उस कवि के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आपको जरूर जानना चाहिए कि सागर का इतिहास क्या है। अगर आप ये सब नहीं समझेंगे और ये सोचेंगे ये साहित्यकारों का काम है कि होली के दिन वो गुलाल लगाकर कवि पद्माकर को अपनी होली खेलें, तो माफ कीजिएगा, आप अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे। सिर्फ बुंदेली बोलना ही बुंदेलखंड का परिचय नहीं है। गुरु बुंदेली तो हम भी बोल लिए थे, असली चीज है बुंदेलियत को अपने भीतर जीवित रखना। क्षमा कीजिएगा, मेरा थोड़ा भावना प्रधान वक्तव्य हो गया। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मेहमानों को सरस्वती पूजन के लिए आमंत्रित करें, उसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को विधिवत, शैलेंद्र जी और तमाम जो हमारे अतिथि हैं, मनीष आप उनके, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम सागर के कर्मवीर में आप सभी का स्वागत है। मैं